हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है आप अपने इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट से किसी और बैंक अकाउंट में मनी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका ट्यूटोरियल देने वाला हूं, तो आपको जुड़े रहना है मेरे साथ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं। हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, देन पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग, देन ये वाला ऑप्शन लॉगिन कर लेते हैं हम। चलिए लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन। चलिए हम अपने इसमें आ गए हैं, तो अब हम डाल देते हैं अपना OTP। कंटिन्यू, ये हम अपना लॉगिन हो गए हैं अपने अकाउंट में। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप ट्रांजैक्शंस वाले इस वाले पर जाइए, इस पर क्लिक करते हैं। देन अब हम आएंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। आप अगर कोई और भी बैंक यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये बात पता ही होगा, बिना बेनिफिशियरी ऐड किए हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। UPI कर सकते हैं, बट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर करना है तो हमको उसके लिए बेनिफिशियरी ऐड करना ही पड़ेगा। तो मैनेज पे, इस पर क्लिक करेंगे हम ट्रांजैक्शंस में जाने के बाद। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि तीन ऑप्शंस हैं इसके। पहला है ऐड अदर बैंक पे, जैसे कि आपको पोस्ट ऑफिस वाले अपने बैंक अकाउंट से किसी और बैंक में भेजना है, जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, कैनरा बैंक हो गया, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो भी हो गया। ये ऑप्शन है, अगर मान लो आपका कोई और है जिसमें जिसका सेम इसमें पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट है, आपको उसको पैसा भेजना है तो आप तब यहाँ ऐड करेंगे, बट हमको किसी और को भेजना है तो हम इस पे करेंगे। व्यू पे मतलब हम अपना बेनिफिशियरी देख सकते हैं हमने किस किस को ऐड कर रखा है, तो हम इस पे करेंगे ऐड अदर बैंक पे। हम नेम डाल देंगे, निक नेम जो भी आपको लेना है वो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, देन कंफर्म में आपको वही सेम अकाउंट नंबर डालना है। नेटवर्क एंड IFSC, आपको इसमें अपना IFSC डाल देना है, वो खुद से बाकी सर्च कर लेगा। तो मैं IFSC डालता हूँ इसमें, IFSC। ठीक है, लुकअप पे क्लिक कर दीजिए डालने के बाद। ये देखिए अपने आप आ गया है, जो भी मेरी बैंक है, ब्रांच है जहाँ की है, यही है। तो चलिए इसके बाद आपको सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। ये हमने अपना जो है सारी डिटेल्स आ गई हैं अपने आप, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक बार और कंफर्मेशन डिटेल है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा है एक बार। चलिए मैं एक बार अपना अकाउंट नंबर देख लेता हूँ। ठीक है, एकदम करेक्ट है। बाकी तो हम ये डालते हैं तो सब कुछ ये डिटेल अपने आप ही फिल हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। जब आपने अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट की होगी तो दो पासवर्ड डालते हैं, एक लॉगिन पासवर्ड जिससे हम अपना पोस्ट ऑफिस बैंकिंग में लॉगिन करते हैं, दूसरा जो है हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए एंटर करते हैं। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये पासवर्ड की हमें नीड पड़ेगी हमेशा। तो चलिए डालते हैं। आई होप सही हो।
सॉरी गलत डाल दिया। चलिए देखते हैं, ये होना चाहिए, तो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, तो चलिए ठीक है, कंफर्मेशन हो गया है, OTP आ गया है, यहाँ पे मेरे को OTP डालना है। रिमार्क में आप कुछ भी डाल दीजिए, आपको जो भी डालना है। कुछ भी डाल दीजिए, इसका कोई वो नहीं है। देन सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। बेनिफिशियरी डिटेल एडिट सक्सेसफुली, और ये हमारी जो है आईडी है। तो अब हमने बेनिफिशियरी ऐड कर लिया है, तो जैसा कि आपको पता ही है, बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद कम से कम हमें 4 घंटे 6 घंटे, हर किसी बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, बेनिफिशियरी ऐड होने के बाद उनको पैसा हम ट्रांसफ़र कब कर सकते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस का जो बेनिफिशियरी का क्राइटेरिया होता है, वो होता है 8 आवर्स। ये जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर आप मैसेज देख रहे होंगे, मैंने ऐड किया है, तो उसको 8 आवर्स लगेंगे, जब उसके बाद हम जो है अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैंने ऐड कर लिया है, कैसे हम आप अपना देखेंगे, व्यू पे ही पे आप क्लिक करेंगे, देन ओके। ये देखिए यहाँ पर मेरे ये दो ऐड हो रखे हैं, दो अकाउंट हैं मेरे, SBI का एक, HDFC का है। तो हमने देख लिया है कि हमने अपना जो है बेनिफिशियरी ऐड कर लिया है। इसके बाद हमें अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जब मेरा 8 आवर्स हो जाएगा। तो जैसे कि अभी तो शाम हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो इसके रिगार्डिंग बनाऊंगा कि हम कैसे जो अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो हम इसमें जाके करेंगे, फंड ट्रांसफ़र टू अदर बैंक्स। ठीक है, इसमें हमारा खुद से अपने आप ही आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है, तो चलिए वो चीज़ हम बाद में बताएंगे आपको। और कोई क्वेरी या कोई भी डाउट होता है आपको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और कोई भी दिक्कत होती है मैं पूरी आपको हेल्प दूंगा। इवन अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो मैं आपको व्हाट्सएप से भी हेल्प कर सकता हूं प्रॉपर। तो हर तरीके का गाइडेंस देने के लिए मैं रेडी हूं। चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगा है तो। चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड टेक केयर, मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।